मनोरंजन जगत के सितारे आए दिन अपनी चकाचौंध से भरी जिंदगी के चलते लोगों के बीच सुर्खियों का केंद्र बने रहते हैं। दर्शकों के लिए अपने फेवरेट स्टार की मूवी से लेकर उनके लव अफेयर, ब्रेकअप और शादी आदि में काफी दिलचस्पी होती है। बॉलीवुड गलियारों में एक बार नहीं बल्कि कई बार आपने ऐसी एक्ट्रेसेस का नाम सुना होगा जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। ऐसी खबरें हमेशा से ही काफी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन स्टार्स के बारे में सुना है जो शादी से पहले ही पिता बनने वाले थे? तो चलिए जानते हैं उन मशहूर एक्टर्स के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है एक्टर रणवीर कपूर का। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर ने बीते साल 14 अप्रैल को एक्ट्रेस आलिया भट्ट संग सात फेरे लिए थे। दोनों की शादी की तैयारियां काफी जल्दबाजी में की गई थी। ऐसे में फैंस को दाल में कुछ काला लग रहा था। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शादी के 2 महीने बाद आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया। उनके इस खुलासे के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। बहरहाल 6 नवंबर 2022 को जब कपूर खानदान में किलकारियां गूंजी और आलिया ने बेटी राहा को जन्म दिया तो लोगों का शक यकीन में बदल गया। इस लिस्ट में अगला नाम है क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने मॉडल नताशा स्टानकोविक से शादी की है। गौरतलब है कि नताशा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। इसका खुलासा खुद नताशा ने शादी से पहले किया था। हालांकि इसके बाद हार्दिक और नताशा दोनों को ही सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब हाल ही में कपल ने पूरे रस्म रिवाज से दोबारा शादी की है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के अलावा इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड अभिनेता अंगद बेदी का। अंगद बेदी ने 10 मई 2018 को अपनी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड की अभिनेत्री नेहा दूबिया से शादी की थी। लेकिन दोनों की शादी काफी सुर्खियों में बनी रही क्योंकि कहा जा रहा था नेहा ने ये शादी इसलिए की थी क्योंकि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन जब शादी के 6 महीने बाद नवंबर 2018 को नेहा ने बच्चे को जन्म दिया तो इस बात पर पक्की मोहर लग गई कि अंगद शादी से पहले ही पिता बनने वाले थे। तो ये थे उन मशहूर सेलिब्रिटीज के नाम जो शादी से पहले ही पिता बनने वाले थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल से निधि जैन की रिपोर्ट।